हेलो गाइस, यार फाइनली रीप राजस्थान इज एट एंडिंग पॉइंट एंड काफी सारे पेरेंट्स एंड बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है रिगार्डिंग द एडमिशन कि भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अभी तक हमको ये ब्रांड मिला है, ये प्राइवेट कॉलेजों के भाव बढ़ चुके हैं, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ पर एडमिशन ले, आगे क्या क्या प्रोसेस है। हमने तो सीट भी ले लिया चमन लाल कॉलेज में, अब क्या हम आगे पार्टिसिपेट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब क्या प्रोसेस है, ये स्पोर्ट राउंड क्या होता है, ये डायरेक्ट राउंड क्या होता है। एंड बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, बस हमको एक सीट चाहिए, बस अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत वेट कर लिया, एट द एंड हमको एक सीट दिला दीजिए। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, तो यार आपके सारे के सारे सवालों का जवाब हम दे रहे होंगे। आजकल हमने एडिटर को निकाल दिया है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा विवेक बिंद्रा बना दिया था, ठीक है। सो यार नो वरी, आपको एडिटिंग नहीं देखने को मिलेगी, नया एडिटर हायर करेंगे अभी। तो यार खैर शुरू करते हैं शुरुआत से। हालांकि बहुत सारे बच्चों को अलॉटमेंट मिला है अपवर्ड मूवमेंट के अंदर, यानी कि जिन बच्चों को पहले से यानी कि राजस्थान राउंड के सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिला है, अगर आप अलॉटमेंट से खुश नहीं है और आपको ये पहला ही अलॉटमेंट मिला है, अगर आपको खुश नहीं है कि भाई मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको MBM कॉलेज मिला है, RTU कॉलेज मिला है, CTI मिला है, GC अजमेर मिला है, या कोई प्राइवेट अच्छा कॉलेज मिला है, आपको अगर ब्रांच आपको अच्छी नहीं मिली लेकिन आपको अगर कॉलेज अच्छा मिला है, देन ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाला। अगर आपको अच्छे कॉलेज का कोई अगर लोअर ब्रांच अगर मिल गया है, देन यू नीड टू क्या करना चाहिए, आपको इंटरनल स्लाइडिंग मोड में आपको इसको डालना चाहिए, उसमें बेटर चांसेस रहते हैं अदर देन कि आप स्पोर्ट राउंड के अंदर अप्लाई करें एंड आप जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करें, उससे ज्यादा चांस किस में रहते हैं, इंटरनल स्लाइडिंग के अंदर, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हैं, ठीक है। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे कॉलेजों में लोअर ब्रांचेस में एडमिशन ले लिया, या फिर चमन लाल कॉलेजों में, या फिर प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले लिया। अब बच्चों के ये सवाल है कि भैया क्या हम स्पोर्ट राउंड या फिर डायरेक्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यार आज का जवाब है, यार बिंदास कर सकते हो, मतलब कौन रोक सकता है आपको, और किसी को क्या ही पता है कि आपको सीट मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भैया आपको अगर सीट मिला है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कोई अमेरिका का कोई दलाल, हमारे कोई बॉम्बे का कोई दलाल स्टेट है नहीं, ठीक है, या फिर इनके पास बहुत ज्यादा करेजी इनोवेशन है, या फिर यहाँ पर इनके पास कोई ऐसे ऊपर से आत्मा ऐसे आती हो और आके बोल देती है हेलो MBM कॉलेज, इस बच्चे को ऑलरेडी इस कॉलेज में ब्रांच मिल चुका है, इसको एडमिशन मत देना। यार इनको क्या ही पता, मतलब जो रीप जो बॉडी है वो बेसिकली हर कॉलेज के पास लिस्टें भेजती है इनके सिस्टम के अंदर बाय द ईमेल और बाय द सिस्टम पोर्टल पे, इनका जो पोर्टल होता है, जैसे हम लॉगिन करते हैं रीप का प्रोसेस, वैसे ये लोग भी रीप को वेबसाइट को एक्सेस करते हैं यूजिंग द वेबसाइट लॉगिन ID पासवर्ड, और उनको अलॉटमेंट लिस्टें दिखती है कि भाई इन कॉलेज ये बच्चे जो है आपके कॉलेज के लिए अलॉट हुए हैं, ठीक है। फिर जैसे आप लोग जाते हो तो ये लोग जो है रीप को टिक मार्क करके भेज देते हैं कि भाई इन लोगों ने रिपोर्ट कर लिया है हमारे यहाँ पे और इन लोगों ने एडमिशन ले लिया है। अगर ये लोग वहां से टिक मार्क नहीं करते तो रीप उसको हटा देता है काउंसलिंग से कि भाई तूने ये नहीं किया है, ठीक है। तो जनरली ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चले कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जैसे आपने RTU कोटा में ले लिया, या फिर SKIT जयपुर ले लिया, या फिर JCRC फाउंडेशन में ले लिया, फिर अगर आपको MBM के स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, देन MBM को क्या पता कि आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया है, RTU कोटा को क्या पता कि आपने JCRC में एडमिशन लिया है, GEC अजमेर को क्या पता कि आपने कहाँ पर एडमिशन लिया है। तो यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्पोर्ट राउंड या फिर डायरेक्ट एडमिशन वाला जो राउंड है, आप चाहे तो सारे कॉलेजों में अप्लाई कर दो, सारे कॉलेजों में आपके पास अगर पैसा है तो सभी में एडमिशन ले लो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आप अगर डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं, स्पोर्ट राउंड में जाना चाहते हैं, आपको अगर लगता है कि यार आपकी मार्क्स ठीक है, आपको रिक में अच्छा कॉलेज मिला नहीं था, या जो मिला था वो बेकार है, देन नो नीड टू वरी, आप ऑफिशियली फील टू फ्री है, आपके पास फ्रीडम है पूरा, आप कितने भी कॉलेजों में अप्लाई करिए, कहीं भी अप्लाई करिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इन पे उनको खुद को नहीं पता कि आपको कहाँ मिला है, कहीं नहीं मिला है। बेसिकली इसमें इशू यह रहता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है,
देन आपके डॉक्यूमेंट अगर आप उनके पास है आपके अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो उसमें थोड़ा इश्यू आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नखरे करते हैं सीट विड्रॉल वाले टाइम पे लोग, अप्लीकेशन डालिए दो दिन बाद आना, प्रोसेसिंग हो रहा है, या फिर पेमेंट वाले में तो बहुत ज्यादा स्पेशली प्रॉब्लम आती है आपको कि आपने पैसा भर दिया, अब आप अगर सीट विड्रॉल करते हैं तो जनरली ये लोग जो है अप्रोक्स 1 to 2 months लगा देते हैं टू इश्यू द रिफंड, या तो आपको डिमांड ड्राफ्ट डीडी मिलेगा या फिर आपके बैंक अकाउंट के अंदर इनिशिएट कर दिया जाएगा, तो ये थोड़ा सा इश्यू आता है रिगार्डिंग द रिफंडिंग द अमाउंट। और तो आई थिंक आपको स्पोर्ट राउंड का प्रोसेस समझ आ गया होगा कि आपको लोगों को जरूर से अप्लाई करना चाहिए। अब कहाँ अप्लाई करें भाई, सीट वेकेंट है कि नहीं है, कौन से कॉलेजों में कितनी सीटें वेकेंट रहती है, हमको एक्चुअली में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कॉलेज जानकर। यार वी आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 6 years एट राजस्थान, एट पंजाब, एट गुजरात, एट हरियाणा, एट जम्मू कश्मीर उत्तराखंड एंड मेनी लोट ऑफ एडमिशंस वी आर डन एट राजस्थान, अप्रोक्स 300+ एडमिशंस एवरी ईयर। ठीक है, जैसे जो आपकी जो रीप की जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर हम जो है रीप काउंसलिंग से 300 से ज्यादा बच्चे निकाल के आउट ऑफ राजस्थान भेजते हैं अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर, क्योंकि यार यहाँ पे हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द राजस्थान एंड आई रेस्पेक्ट अ लॉट एट द सिस्टम, एट द एजुकेशन, एट द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जो है उसके हिसाब से ठीक है, मतलब हम इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ठीक है, काफी अच्छा जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, यहाँ के सिस्टम के हिसाब से, यहाँ के लोगों के हिसाब से, यहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से, यहाँ के बजट, यहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक है, मतलब ठीक है, लेकिन मतलब एक्सीलेंट नहीं है, यू नो। अगर हम बात करें कुछ बाहर के कॉलेजेस की, जैसे अगर पंजाब के कुछ यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है GFTI है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू के आसपास पड़ता है, एक बहुत बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, आपके अगर जेई में बहुत अच्छे परसेंटाइल हैं एंड अगर आपको रीप राजस्थान में अगर अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा है, देन आई सजेस्ट कि आप आउट ऑफ राजस्थान बहुत अच्छा CSE या फिर आप यू नो टारगेट ब्रांच टेक ब्रांच में ले सकते हैं, वरना हमारे पास बहुत सारे पर डे कॉल्स आते हैं ऐसे भैया कि मेरे 86% है, मेरे 80% है, क्या मेरे को कोर ब्रांच मिल जाएगा, क्या मेरे को प्रोडक्शन मिल जाएगा, क्या मेरे को केमिकल मिल जाएगा। भाई हम 70% पे 60% पे बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर आपको CSE नोट करा देते हैं आउट ऑफ राजस्थान। अब यार यहाँ पे 4 कॉलेज तो पूरे हैं नहीं है, ठीक है, अब कंपटीशन होगा या ना क्यों नहीं होगा, इससे अच्छा प्राइवेट वालों ने अपना धंधा खोल रखा है। आप अगर देखोगे तो आज अगर मैं जयपुर के अगर कुछ प्राइवेट कॉलेजों की बात करूं तो वहां पे आप अगर चाहोगे ना कि आपको अगर मैकेनिकल लेना है, आपको अगर इलेक्ट्रिकल लेना है, वो बहुत मुश्किल है, अदर देन कि आप अगर चाहो कि आपको CSE ब्रांच लेना है, क्योंकि वहां पे CSE की एक कॉलेज में सीटें हैं 1000 और इलेक्ट्रिकल की एक कॉलेज में सीटें हैं सिर्फ 30 या फिर 60। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ नामी कॉलेजों के अगर नाम बताऊं, ठीक है, अच्छे कॉलेज है, मतलब आई डोंट वांट टू इंसल्ट देम, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए JECRC फाउंडेशन है, ठीक है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल लेना चाहो तो वहां पे कितनी है, आप सिर्फ 60 सीटें हैं। ठीक है, आपका कंपटीशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर आप कंप्यूटर साइंस में लेना चाहो देन वहां पे कितनी सीटें हैं, 400 सीटें हैं। ठीक है, तो 60 का कितना परसेंट हो गया, मतलब मल्टीपल परसेंट हो गया। ठीक है, आई नॉट हैव नॉलेज इन द मैथमेटिक्स, ओके, बट आई थिंक दैट कि टेक ब्रांच में एडमिशन लेना इजी है अदर देन कि आप लोअर ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी परसेंटाइल कम है, ठीक है, जो ऐसे बच्चे हैं स्पेशली जिन्होंने तो JEE दिया ही नहीं है, तो आई सजेस्ट कि आपको आउट ऑफ राजस्थान आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अलॉटमेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में, काफी लो फीस के अंदर बहुत ज्यादा डिसेंट प्लेसमेंट के साथ। यू कैन गो टू द UP, यू कैन गो टू द मध्य प्रदेश, यू कैन गो टू द पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आपको यार कुछ नहीं करना पड़ता। बेसिकली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हम बेस्ट बेस्ट कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं, देन यू कैन चेक द प्लेसमेंट वीडियोज, यू कैन चेक द रिव्यूज ऑन द यूट्यूब, यू कैन चेक द डिटेल्स ऑन द गूगल, देन यू कैन टेल ओवर टीम डेट कि भैया मेरे को ये बोले बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है, आई वॉन्ट टू एनरोल इन दिस कॉलेज, देन वी कैन प्रोवाइड द अलॉटमेंट, आपका एडमिशन एंड प्रोसेस सारा कंप्लीट सोल्यूशन, विजिटिंग एंड वगैरह वगैरह, आपके भैया पे हम आपको जो है अलॉटमेंट दिला देते हैं। जनरली जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल अप्रोक्स 70 से कम है एंड वो वांट टू एनरोल इन द अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज स्पेशली इन द टेक ब्रांच, नो वरी, मिल जाएगा, दिला देंगे आपको एडमिशन। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है आप लोगों को, बहुत सारे लोट ऑफ ऑप्शन भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये परेशान ना हो कि भैया मेरे को टेक ब्रांच नहीं मिला। ये जो MBM है, RTU है, CTI है, GC अजमेर है, BTU बीकानेर है, कोई नहीं जानता इनको, ठीक है। आप अगर हैकाथॉन में जाओगे, आप अगर किसी भी प्लेसमेंट सीरीज में बैठोगे, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एक्वेंचर या फिर आप जितनी भी किसी भी कंपनी के आप प्लेसमेंट में जाते हो, तो आप अगर बोलते हो कि भाई मैं इस कॉलेज से आया हूँ, वहां से आया हूँ, यहाँ से हूँ, नथिंग, नो वन नो अबाउट इट, ठीक है। और अगर आप राजस्थान से बाहर जाके भी अगर आप देखते हैं, तो कोई नहीं जानता भाई क्या सीन है। आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई इस कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, ऐसा हो जाएगा, नथिंग यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं जानता इनको। अगर मैं यहाँ पर विजिट भी करना चाहूँ ना, तो मेरे को विजिटिंग करने के लिए ही अप्रोक्स 6 से 7 घंटे लगते हैं राजस्थान के इन कॉलेजों में पहुंचने के लिए। ना यहाँ पर तो एयरपोर्ट भी नहीं है पास में, ठीक है। तो रिक्रूटर तो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अमेजोन वाला आएगा, ऐसा आएगा, भाई उसके पास इतना टाइम नहीं है साला, ठीक है। ब्लेजर खराब हो जाएगा उसको ट्रेन में बैठ बैठ के। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि राजस्थान वैसा है वैसा है, बेस्ट ऑप्शन और भी बहुत सारे भरे पड़े हैं। अगर आपको लगता है कि आपका परसेंटाइल अच्छा है, लगता नहीं है, आपको अगर दिखता है कि आपके JEE स्कोर कार्ड में अच्छा परसेंटाइल है, 80% है, 80 से अबव है, देन नो वरी, आपको इन कॉलेजों में सीटें वैकेंट रहती है। वैसे ये अच्छे कॉलेज भी है, कुछ इनके सीटों की भी बात कर लेते हैं। RTU कोटा की अगर बात करें तो यार टेक ब्रांच में सीटें वैकेंट रहती है, जनरली 10-12 सीट वैकेंट रह जाती है। इलेक्ट्रिकल में सीटें वैकेंट रहती है, ठीक है। लोट ऑफ ऑलमोस्ट सारी ब्रांचों में सीटें वैकेंट रहती है, अदर देन CS में थोड़े कम चांसेस है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कॉलेज अच्छा है या नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि अंधों में तो काना राजा ही अच्छा है, ठीक है। तो वैसा जब कुछ भी ना हो तो जब आंखें ही नहीं है तो आधी आंखें अच्छी है, कम से कम थोड़ा बहुत तो दिखे, तो वही सीन है, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा इलोबोरेट ना हो कि यार मेरे को ये कॉलेज मिले नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी और भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको अगर CS चाहिए, IT चाहिए, जो भी ब्रांच चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट द कॉलेज जानकार। हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं, बहुत सारे जुगाड़ है। पिछले 6 साल के अंदर हमने इतने एडमिशन कराए बच्चों के, इतने इतने अलॉटमेंट दिलाए, यू कांट इमेजिन इट, ठीक है। स्पेशली पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र एंड लोटो भरे पड़े ऑप्शन। एंड ये जो बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं हमारे पास कि भैया ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है, हमारा इसमें एडमिशन नहीं हो रहा, वो लोग मना कर रहे हैं कि हमारे पास सीटें भरती नहीं है। यार अभी तो मतलब एडमिशन क्लोज भी नहीं हुआ है, तो उनको क्या पता कि हमारे पास सारी सीटें भर जाएगी। अदर देन अगर मैं बात करूँ कुछ प्राइवेट कॉलेजों की, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर राजस्थान में अगर बात करें तो जयपुर जैसी लोकेशन पे जैसे कुछ कॉलेज है, जैसे JECRC फाउंडेशन है, एंड आई पर्सनली विजिटेड एंड सी द ऑल द डिटेल्स एंड आस्क टू द स्टूडेंट्स एंड लाइक दैट। एक SKIT जो सीतापुरा वाला जो कॉलेज है, ठीक है, ये मतलब कम बजट में अच्छा रिलायबल एंड अच्छा सोल्यूशन है इनका। डिसिप्लिन ठीक है, SKIT का काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन है, ठीक है, एंड काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है जिस फीस स्ट्रक्चर में ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वेल एंड डन है। हाँ, आप लोग अगर जो सोच रहे हो कि यार इनके पास तो सीटें वैकेंट रहती ही नहीं है, हमारा कैसे एडमिशन होगा लाइक देयर, तो यार जनरली 70% तक यहाँ पे टेक ब्रांच आपको मिल जाती है। आप लोगों ने बहुत बार कॉल किया होगा, मैसेज किया होगा लाइक देट, तो ये क्या होता है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटर्जी रहती है, क्योंकि उनके हाथ में एक्चुअली उस टाइम पे सीट रहती ही नहीं है, क्योंकि जो रीप के हाथों में रहती है सारी की सारी सीटें। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को सीट तो अलॉट कर देता है रीप, तो जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब जैसे रीप का ऑलमोस्ट गेम डाउन हो गया है, अब रीप आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। आप ऐसे समझो कि रीप इज नाउ डाई, ठीक है, अब रीप चला गया, ठीक है। अब सारा का सारा जो प्रोसेस है, दिस इज हैंडल्ड बाय द कॉलेजेस। अब जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारा का सारा प्रोसेस हैंडल करेगी। तो आप कॉलेजेस के टच में रहिए, मैनेजमेंट के टच में रहिए, वो आपको ऑफलाइन बुलाते हैं, ऑनलाइन बुलाते हैं, बहुत सारे केसेस में जनरली मैनेजमेंट ही डन करेगी एडमिशंस। एंड नो वरी, प्राइवेट कॉलेजों में काफ़ी सीटें वैकेंट रहती है। जैसे अगर मैं बात करूँ टेक ब्रांचेस की, जो कॉलेजेस हैं जयपुर वाले, इनमें जो हजार सीटें भर रखी है, इनमें काफ़ी सीटें वैकेंट रहती है, मतलब काफ़ी नहीं बहुत काफ़ी सीटें वैकेंट रहती है। जनरली अगर आप अगर टेक ब्रांच में बात करोगे, अगर इनका टोटल अगर 1000 सीटें हैं, तो ऐसे मान के चलो कि 700 कुछ बच्चे ऑलमोस्ट पढ़ाई करते हैं, एंड लोट ऑफ सीटें वैकेंट रहती है। एंड स्पोर्ट राउंड में बहुत सारी सीटें भरी जाती हैं। यूपी वाले, बिहार वाले बच्चे अब इस राउंड में आएंगे इधर एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि
जो रीफ वाला जो था वो 15% रिजर्वेशन दे रहा था, एंड वो उस रीजन के कारण वो बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। अभी वो पूरा का पूरा गैप खत्म हो गया है। इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम द आउट ऑफ राजस्थान देन नो नीड टू वरी, आप अप्लाई कर सकते हो, आप राजस्थान वालों के बराबर ही है। ठीक है, तो अब जनरल बेसिस पे तो नहीं बोल सकता, डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर। काफी सारे कॉलेजेस में काफी सारी सीटें वैकेंट रहती है, जैसे अजमेर में हो गया, बीकानेर में हो गया, कोटा में हो गया, उदयपुर हो गया। MBM के अंदर टेक ब्रांचेस में तो पिछले साल भी 3-4 सीटें तो वैकेंट थी आई थिंक CSE के अंदर। इस बार का कुछ कहा तो नहीं जा सकता, हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो, लेकिन आप लोअर ब्रांचेज में या कोर ब्रांचेज में काफी सारी सीटें वैकेंट रहती है जनरली। ठीक है, तो नो नीड टू वरी, आपका स्पोर्ट राउंड स्मूथली कंडक्ट होगा एंड आई होप कि आपको एक बहुत अच्छा ब्रांच मिले, और अगर यार ना मिले तो कोई बात नहीं है, हम बैठे ना दिला देंगे। ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया है नीचे। वी आर जेन्युइनली प्रोवाइडिंग द एडमिशन, हम कोई फर्जी आपके डॉक्यूमेंट बना के नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि लॉट ऑफ सीटें वैकेंट पड़ी रहती है। एंड यही कॉलेजेस की अगर बात करूँ प्राइवेट की, तो आज से 3 साल पहले जब आप वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर दिया करते थे ना, तो आपको पर डे में ये लोग 5 कॉल तो कर लेते थे, जब हमारे टाइम पे कुछ सालों पहले, तो कि भैया एडमिशन ले लीजिए, सीटें भर रही है, ले लीजिए एडमिशन। ठीक है, तो नो नीड टू वरी यार, आप सबका एडमिशन हो जाएगा। एंड जनरली हमारे पास जो आता है वो खाली हाथ जाता नहीं है, उसका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अगर नहीं होता है आप हमें कॉन्टेक्ट करिए,